डॉक्टर किचन में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको मसाला भिंडी क्रंची बनाना बताऊंगा। स्वागत आपका। दो प्याज लिए मैंने, ये मीठा टमाटर लिया एक मीठा, जिसको मैंने वैसे सलाद की तरह काटा है। ये टमाटर जो खट्टा लिया है ये मैं इसमें वैसे डालूंगा। ये मसाले लिए मैंने, मिक्स कर दिए। ये प्याज लिए थोड़ी सी चॉप्ड, और ये मैंने एक लाल मिर्च ली है और हरी मिर्ची ली है, और करीब 200 ग्राम ये भिंडी ली है। मैं इनको कट मारूंगा अभी। ठीक है, कट मारेंगे हम ऐसे सभी में। मिर्ची भी इसी तरह से मैं डालूंगा इसमें, क्यों मेरा तरीका सबसे अलग होता है। मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। ये हरी मिर्चें डालूंगा दो पीस करके ऐसे, और टमाटर भिंडी में शायद कोई डालता हो, मैं डालूंगा। लेकिन इनमें कट मार के दो टुकड़े कर दूंगा इनके। मेरा तरीका अलग होता है, जो भी सब्जी बनाता हूँ कुछ करता हूँ अलग होता है। ये ऐसे काट दूंगा इनको, बहुत ही क्रंची लगेंगे, और मेरे ख्याल से ऐसे कोई डालता भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने खुद के तरीके बनाता हूँ। जैसे टमाटर डालना होता है टमाटर में डालता हूँ, भिंडी में कोई डालता होगा मेरे ख्याल से, तो इसका टेस्ट भी अलग आएगा। आप जरूर चख के देखना, जो इसमें सुंदर भी लगी और टेस्ट भी लगी। चलो हो चुका है, एक चम्मच तेल लिया मैंने, आधा चम्मच। इसमें मैं थोड़ी सी राई डालूंगा, राई के तुरंत बाद में डालूंगा इन पाउडर, बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। इसी कटी भिंडियाँ हैं वो डालूंगा इसमें डायरेक्टली। हम टमाटर डालेंगे, जो दूसरे टमाटर हैं खट्टे वाले। साथ साथ में प्याज डाल देंगे हम, जो मीठे वाले टमाटर हैं वो हम बाद में डालेंगे। देखिए रंगी का लग रहा है, नून डाला दिखा लूँ। अब मैं चीनी डाल रहा हूँ, स्वाद अनुसार कमी डालूंगा, क्योंकि सूखी सब्जी नहीं। ये मैंने इसका ढक्कन डाल दिया है और थोड़ा सा ये देखो, वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त होंगी ये। इसमें मैं जो मैंने हरी मिर्ची और लाल मिर्ची काटी थी वो डालूंगा इसमें, वैसे बहुत ही अच्छा स्वाद मिलेगा इसका। देखिए मेरी जो डिश होती है, मेरी जो तरीका होता है सबसे अलग होता है, मैं मन की मर्जी से बनाता हूँ और बनता भी मेरे बहुत टेस्टी है। अब आप इसको जो बन जाएगी पराठे के साथ, रोटी के साथ कैसे भी खा सकते हैं, सफ़र में जाते हैं इसको, दो दिन एक दिन ठंड का टाइम में चल जाएगी, 5-6 घंटे ख़राब नहीं होती, क्योंकि गर्म ना हो सीधी पानी डलेगा नहीं इसमें। देखिए थोड़ा देर ढकते रखूँगा मैं पास करते हुए। अब मैं इसमें जो मीठे टमाटर हैं दो लिए मैंने, वो डालूँगा, बहुत टेस्टी और पौष्टिक, मेरे खाने में पौष्टिकता अधिक होती है।
सारी चीज़ नेचुरल डालता हूँ मैं, कोई मसाले कम यूज़ करता हूँ। टमाटर ज़्यादा डालता हूँ क्योंकि टमाटर में प्रेशर खत्म करने गुण होते हैं। अब थोड़ा देखिए ढकूँगा मैं इसको 10 मिनट में यार, फिर मसाले डालूँगा हल्के से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें, ये पूरी तरह नहीं गलानी हमने पूरी तरह से। देखिए अब इसमें हम सूखे मसाले डाल देंगे, हल्दी मिर्च वगैरह हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं डालते हल्के से बस। और ये मिक्स कर दिया मैंने और 5 मिनट इसको ढक के रखूँगा मैं, 5 मिनट तैयार हो जाएगा। अब ये हमारी भिंडी की सूखी सब्जी बन चुकी है, बहुत ही लाजवाब टेस्टी। आहा हा हा, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए। अब आराम से चपराठे के साथ, चपराठे के साथ खाइए आराम से, ये तैयार है। अब हम पराठे बनाएंगे इसके साथ खाने के लिए, देखिए ज़रा। और ये हमने आटा गूंथ दिया है, इसमें हमने कच्ची हल्दी, अदरक, मेथी और लाल मिर्चें डाल दिए। अब देखना इसके क्रंची पराठे बनेंगे, बनाना शुरू करेंगे। देसी घी में पराठे बनते हुए, ये हमारा देसी घर का घी है, देसी घी है ये, देखो बहुत ही कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ, इसको वेरी गुड, हल्का घी लगाओ, हल्का घी लगाओ इसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। भिंडी की सब्जी बहुत ही टेस्टी और क्रंची लगेंगे आपको, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और देखिए भिंडी की सूखी सब्जी बहुत ही टेस्टी, क्रंची और साथ में पराठे, मेथी के और हल्दी अदरक खाना आपके लिए। आपको अच्छा लगे, टेस्टी लगे, आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।